आप बता सकते हैं इन 15 के 15 गुंडों में से कोई एक आया हो, एक आदमी का आप नाम बताइए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा राजीव गांधी जी का कि उन्होंने ऐसी सपुत्री को, ऐसी पुत्री को, ऐसे पुत्र को मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। वैसे तो सब लोगों को मालूम होता है दो पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, एक का नाम है बहुजन समाज पार्टी और दूसरे का नाम है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी पार्टी नहीं है, ये गुंडों की एक समूह है। आप मुझे बता सकते हैं जब SC ST को संशोधित किया जा रहा था, SC ST में संशोधन हो रहा था, हमारे पास एक हथियार था जिससे हम अपनी बहन बेटियों की, अपनी मां बेटियों की सुरक्षा करते थे, अपने साथ मान सम्मान की सुरक्षा करते थे। 5 सांसद समाजवादी पार्टी के हैं और 10 सांसद बहुजन समाज पार्टी के हम लोगों ने चुन के केंद्र में भेजे हैं कि नहीं भेजे। आप मुझे उन सांसदों के 15 के 15 में से किसी एक का नाम बताइए जब हमारी SC ST पे हमला हो रहा था, उसको संशोधित करी जा रही थी, तो इनमें से कौन सा सांसद हमारे बचाव के लिए, SC ST बचाव के लिए आया हो? आपको सोचना पड़ेगा। यही हाल अब हाथरस में आइए, आप हाथरस में बच्ची का नमस्कार होता है, मिट्टी का तेल छिड़क कर उसको आग लगा दी। आप बता सकते हैं इन 15 के 15 गुंडों में से कोई एक आया हो, एक आदमी का आप नाम बताइए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा राजीव गांधी जी का कि उन्होंने ऐसी सपुत्री को, ऐसी पुत्री को, ऐसे पुत्र को जन्म दिया कि उन्होंने हाथ रख के जमीन पर खड़े होकर हम लोगों के साथ शाना बशाना खड़े होकर लाठियां खाई और हमें सम्मान दिलाने का काम किया।